Hello, my dear viewers and future doctors. Very very happy Christmas and coming year 2021. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और ये जो आने वाला साल है 2021, ये आप सभी के लिए बेहतर से भी बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ, इसी विशेष के साथ और इन्हीं दुआओं के साथ हम अपनी ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। और आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो चलिए आप ही हमारे साथ खंडवा मेडिकल कॉलेज का टूर कीजिए और बताइए हमें कि कैसा है आपका कॉलेज। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं खंडवा मेडिकल कॉलेज खंडवा। तो ये हम आ चुके हैं खंडवा जंक्शन पर, यानी कि खंडवा रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से हम एक ऑटो रिक्शा लेंगे जिसका किराया 60 रुपये हम देंगे रेलवे स्टेशन से मेडिकल कॉलेज तक का। तो अब हम आ चुके हैं मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर और यहाँ पर भी अंदर जाने के लिए हमें परमिशन लेना है। तो अंदर जाने की परमिशन हमें मिल चुकी है और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको खंडवा मेडिकल कॉलेज का कैंपस ग्राउंड। हम ऑटो रिक्शा से कॉलेज के अंदर जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ विज़िट कीजिए खंडवा मेडिकल कॉलेज को। ये जो कॉलेज है ये 2018 को ही स्टार्ट हुआ है और इसमें भी 120 सीट्स हैं MBBS के लिए। इसमें भी नीट के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, चाहे वो ऑल इंडिया से हो या फिर आपके स्टेट MP से हो। ये न्यू बिल्डिंग है तो ये काफ़ी मॉडिफाइड है, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और इसके चारों तरफ हरा भरा कैंपस ग्राउंड है। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर इस कॉलेज में। और इस कॉलेज का जो कैंपस एरिया है वो 34 एकर्स में बना हुआ है, तो इसमें सारी फैसिलिटीज़ कॉलेज के अंदर ही मौजूद हैं, जिसमें इंक्लूडेड है बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्टाफ एंड फैकल्टीज क्वार्टर। इसमें गेस्ट हाउस भी है, कैफेटेरिया भी है, लाइब्रेरी भी है, जो स्टडी के लिए एक कंफर्टेबल प्लेस है। और बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग मैस हैं जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर अवेलेबल है। इस कॉलेज की भी सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड की गई हैं, जो कॉलेज की ही फ़ीस के साथ इंक्लूडेड हैं। बस मैथ्स का चार्ज आपको अलग से देना है पर मंथ 2500 रुपये। और अब चलते हैं आप सभी को लेकर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ और आपको हॉस्टल का टूर करवाते हैं। लेकिन हॉस्टल का टूर करवाने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप कोरोना के बाद वापस से कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं या फिर आपका न्यू एडमिशन है तो आप लोग कोरोना की रिपोर्ट को लेकर जाएं, वरना आपको हॉस्टल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर आप रिपोर्ट नहीं बनवा पाए अपने घर से तो वो रिपोर्ट आप सरकारी हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय खंडवा से बनवा सकते हैं। उसमें आपका रैपिड टेस्ट किया जाएगा, आधे घंटे के बाद आपकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आपकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव है तो आपको हॉस्टल के अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी।
तो चलिए अब देखते हैं आपका गर्ल्स हॉस्टल। तो ये भी गर्ल्स हॉस्टल जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर है, वार्डन हर टाइम अवेलेबल है यहाँ पर भी, और बिना वार्डन की परमिशन के आप लोग अंदर या बाहर नहीं जा सकते। और हॉस्टल के अंदर लॉन्ड्री फैसिलिटीज नहीं है, तो अगर आप लोग अपने कपड़े सेल्फ वॉश नहीं कर सकते तो बाहर लॉन्ड्री शॉप है, आप वहाँ से कपड़े रीज़नेबल प्राइस में वॉश करवा सकते हैं, और आप कॉल करके भी उनको बुला सकते हैं, वो आपके कपड़े ले जाएंगे और वापस वॉश करके आपको दे जाएंगे। और इस कॉलेज के बाहर गेट के पास कुछ शॉप्स भी हैं, तो अगर आपको कुछ छोटा मोटा सामान अपनी ज़रूरत का लेना है तो आप कॉलेज के गेट के पास से ले सकते हैं। और वहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, तो अगर आपको कभी मैस का खाना अच्छा नहीं लग रहा तो आप वहाँ पर भी जाकर खा सकते हैं, या अपने रूम में लाकर भी आप वो खाना खा सकते हैं। और अब आप हमारे साथ गर्ल्स हॉस्टल का रूम भी देख लीजिए। और इस गर्ल्स हॉस्टल में भी फीमेल को रुकने की परमिशन मिल जाती है, तो मदर या सिस्टर एक या दो दिन रुक सकते हैं। और हर रूम में दो स्टूडेंट्स की शेयरिंग है, एक रूम में दो स्टूडेंट रहते हैं। रूम के अंदर लेट बैथ अटैच दिया गया है, दो बेड हैं, दो टेबल्स हैं, दो चेयर्स हैं, दो कबर्ड दिए गए हैं कपड़े रखने के लिए, अलमेरा है इसमें। हर रूम में सेपरेट बालकनी भी दी गई है। खाने के लिए मैस है, लेकिन अभी कोरोना सीज़न है तो मैस में आपको आपका टिफ़िन लेकर जाना है और वापस अपने रूम में आकर आपको लंच या डिनर करना है। और कोरोना के बाद कॉलेज खुल चुके हैं, तो ये बंद रूम की हालत देखिए आप, चारों तरफ मकड़ी का जाला है, डस्ट ही डस्ट है चारों तरफ। बाकी कॉलेज पूरा साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, डेली साफ़ सफाई यहाँ पर की जाती है। और अब देखते हैं बालकनी से, इस बालकनी से पूरा कैंपस आसानी से देखा जा सकता है। सामने बॉयज़ हॉस्टल है और उनके रूम भी गर्ल्स हॉस्टल की ही तरह से सेम है, और सारी फैसिलिटीज़ उसमें भी अवेलेबल हैं। और सामने जो आप लोग इस वीडियो में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये स्टाफ क्वार्टर्स हैं, इसमें फैकल्टीज़ एंड टीचर्स रहते हैं। तो ये जो 34 एकड़ के एरिया में बना कैंपस है, इसमें अभी हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि ये न्यू मेडिकल कॉलेज है और शायद कोरोना की वजह से बहुत सारा काम अभी इसमें होना बाकी है। और अब लंच टाइम हो चुका है, तो चलिए मैस का खाना टेस्ट करते हैं। ये लंच है देखिए, और हम भी आज इस मैस का खाना टेस्ट करने वाले हैं। लंच में बताते हैं आपको क्या क्या है इसमें। दाल है, चावल है, रोटी है और भिंडी मसाला है। तो देखते हैं कैसा है खाना इस मैस का। खाना टेस्टी है, खाने में कोई शिकायत नहीं है। और अब हमारा लंच हो चुका है, तो वापस से हम आपको खंडवा मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का टूर करवाने वाले हैं। तो चलिए देखिए हमारे साथ कैसा है आपका गर्ल्स हॉस्टल। ये 3 मंजिल की बिल्डिंग है और इसमें भी अलग से एक लाइब्रेरी दी गई है, तो जो बच्चे रूम में नहीं पढ़ सकते वो हॉस्टल की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं। और गर्ल्स को खेलने के लिए इंडोर गेम के लिए एक हॉल बनाया गया है, और टीवी हॉल भी है इसमें, तो फ्री टाइम में टीवी देख सकते हैं, अपना टाइम पास कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा, हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।